हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एटॉमिक स्ट्रक्चर का. ध्यान से देखिए अब आप. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद एन इक्वल टू 4 टू एनर्जी लेवल 2. अगर फोर्थ से वो सेकेंड लेवल पे आता है तो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन हमें बतानी है. तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे एक क्वेश्चन है. तो अब आप ध्यान से देखिए, फॉर हाइड्रोजन एटम पहली बात Z की वैल्यू क्या हो गई, 1. अगर वो फोर्थ से 2 पे आए या 2 से फोर्थ पे जाए, जब आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो इसमें N1 की वैल्यू N2 से हमेशा छोटी रखनी है. N1 शुड बी लेस देन N2, ये पॉइंट आप ध्यान रखना. अब 1 by λ इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट Z² 1 by N1² माइनस 1 by N2² के बराबर होता है. अब N1 की वैल्यू 2 रखोगे, N2 की वैल्यू 4. आप बस यहाँ से ये बोल दोगे कि लेमडा जो है इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, और अगर वो 2 से 4 में जाता है तो वो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन हो जाएगी. आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि N1 शुड बी लेसर देन N2. आपने N1 बड़ा नहीं रखना है, ठीक है. बस वेवलेंथ एब्जॉर्ब रेडिएशन या एमिटेड रेडिएशन के टर्म में आपने बोलना है. तो 1 by λ, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1.0967 ऐसे करके है, पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1.09 ले ली इंटू 10^7. पॉइंट के बाद दो डिजिट ले लिया हमने. 1/2² माइनस 1/4² सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वेवलेंथ आ जाएगी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, ठीक है. 16/3 सिंप्लीफाई करने पे 4.989 इंटू 10^-7 मीटर. आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए पहले डिजिट के बाद पॉइंट. तो अगर आपके थर्ड डिजिट में कोई वेरिएशन आती भी है तब भी मार्क्स बहुत ना के बराबर आपके मतलब कटने के चांसेस होते हैं. समझ आ गया. 4.89 इंटू 10^-7 मीटर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आयनाइजेशन एनर्जी. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द 5th ऑर्बिट. आयोनाइज करना मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth ऑर्बिट टू इनफाइनाइट, ठीक है. फाइनली किस में भेजना है, इनफाइनाइट में. तो इनफाइनाइट कहने का मतलब हो गया कि वहां पे एनर्जी क्या हो गई, 0. तो आयनाइजेशन एनर्जी का आप सीधा फॉर्मूला ले लेते हो, जिस ऑर्बिट से रिमूव करना है nth ऑर्बिट से, दैट इज 13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये पॉजिटिव होती है. और एनर्जी ऑफ, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इट इज -13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है. और जूल्स में अगर आप करना चाहते हो तो 2.18 इंटू 10^-18 जूल्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू Z² / N². तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम करते हैं, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम करना है या जूल्स में, तो आपकी मर्जी है. तो आयनाइजेशन एनर्जी 5th ऑर्बिट से की निकालनी है, तो मतलब 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. तो 13.6 / N² हो गया. Z1 हमने पहले ही लिख दिया, हाइड्रोजन एटम के लिए काम कर रहे हैं तो 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, N की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है. हमें कंपेयर करना है 5th ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी को फर्स्ट ऑर्बिट से. तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई फॉर हाइड्रोजन एटम. तो कंपेयर करने का मतलब हमने रेशियो ले ली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दी 5th ऑर्बिट. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 25. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दी फर्स्ट ऑर्बिट इज 25 टाइम्स दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दी 5th ऑर्बिट है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 6 ऑर्बिट ड्रॉप्स टू दी ग्राउंड स्टेट. तो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस आर पॉसिबल. तो मतलब हमें बताना है कि अगर वो कोई भी रूट फॉलो करे, जैसे अगर वो 6th ऑर्बिट से ग्राउंड ऑर्बिट में आ रहा है, जैसे 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, हर एक ट्रांजिशन पे एक लाइन एमिट होती है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. तो हमें बताना है ऐसे कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल हैं व्हाइल फॉलोइंग एनी पाथ. तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2. n हो गया जिस ऑर्बिट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है. तो मैक्सिमम लाइंस कितनी पॉसिबल हो गई, 15 लाइंस. अब इसको आप करते कैसे हो, जैसे आप 6th ऑर्बिट से आ रहे हो तो 6 से ग्राउंड स्टेट पे आ गया, या 5 टू 1 आ गया, 4 टू 1, 3 टू 1, 2 टू 1, ठीक है. तो ये 5 पॉसिबल एमिशन लाइंस हो गई व्हाइल फॉलोइंग वन पाथ, ठीक है. ऐसे भी तो हो सकता है कि वो 6 से डायरेक्टली 2 पे आ जाए,
और या फिर ये भी हो सकता है 6 से 2 पे आए और फिर 2 से 1 पे आए, पर 2 से 1 की एमिशन लाइन आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है 6 टू 5 आए, फिर 5 टू 3 आए, और फिर उसके बाद 3 से 2 पे और 2 से 1 पे। तो ऐसे अगर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हो तो हमें उस केस में डिफरेंट लाइंस अगर आप देखेंगे तो उस केस में हमारे पास 6 ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में 15 लाइंस पॉसिबल होंगी, या आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। सारे पॉसिबल पाथ्स को आपको लेना पड़ेगा, पर जो लाइन रिपीट कर रही है वो आपको कंसिडर नहीं करनी है। हमें दिया हुआ है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम दी हुई है -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स दी हुई है। तो आप जनरल फॉर्मूला nth ऑर्बिट का लिख सकते हो, दैट इज -2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। याद रखना आपको जनरल करना है फॉर बोहर थ्योरी के रिजल्ट्स के हिसाब से फॉर एटम हैविंग एटॉमिक नंबर जेड, क्योंकि हमें पता है बोहर के जो रिजल्ट्स हैं वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड है, जैसे हीलियम प्लस पे वैलिड है, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस पे भी वैलिड है। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया, और हाइड्रोजन के एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमें दी हुई है। तो अब पूछिए व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट फिफ्थ रखना है तो एन की वैल्यू 5 होगी, और हाइड्रोजन एटम के लिए ही फाइंड आउट करनी है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होते हैं तो हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो गया, बेरिलियम 3 प्लस हो गया, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आता जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा जूल्स में, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ दी बोहर फिफ्थ ऑर्बिट। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देखो 0.529 n² / z angstrom होता है, n² / z। तो z की वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगी, और फिफ्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो वैल्यू प्लेस कर दी तो 1.332 नैनोमीटर पे आ जाएगी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हमें फाइंड आउट करना है वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 1/लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z² 1/n1² - 1/n2² हो गया। तो हमें पता है जो डिफरेंस इन एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांजिशन मतलब nth ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट अगर आप देखें, या इनफाइनाइट टू फर्स्ट ऑर्बिट देखें, जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। अगर हम ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस मिनिमम रखेंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, एमिटेड मैक्सिमम। अगर एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और वहीं पर इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट शिफ्ट करता है तो डिफरेंस इन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द फोटोन, ठीक है, वही डिफरेंस ऑफ एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन जो आती है वो मैक्सिमम आएगी, तो वेवलेंथ क्या आएगी, मिनिमम आएगी। पर अगर मुझे वेवलेंथ को मिनिमम रखना है, मैक्सिमम रखना है, तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या रखना होगा, ऑर्बिट की मिनिमम। तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो अगर हम बाल्मर सीरीज में बात करें, अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखनी है, वेवलेंथ क्या रखनी है, लॉन्गेस्ट, तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या रखना होगा, मिनिमम रखना होगा। तो थर्ड से टू ऑर्बिट के बीच में आएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वेव नंबर, यही 1/लैम्डा क्या हो जाएगा, वेव नंबर। तो वेव नंबर हमारे पास आ गया 1.09 × 10⁻¹⁷ × 1/n1² - 1/n2². तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें अगर मैक्सिमम वेवलेंथ यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखनी है तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या रखना है, मिनिमम रखना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, डिफरेंस इन एनर्जी मिनिमम। अब कई बुक्स में हैं जो सपोज टू भी बच्चों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी रहती हैं, लेकिन उनमें सॉल्यूशन गलत दिया होता है। तो आई डोंट वांट टू नेम इट, आप जो है ये बुक्स हैं आप देखो यहाँ पे, और इसमें अगर आप, ये पुराना एडिशन है, मे बी उन्होंने नए एडिशन में ठीक कर दिया हो तो मुझे पता नहीं है। तो 17th प्रॉब्लम है 1.17, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है और उन्होंने डिफरेंस इन एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रखा है, मतलब N2 को इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट करें। अगर आप डिफरेंस इन ऑर्बिट मैक्सिमम रखोगे तो वेवलेंथ जो आएगी वो मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं आएगी, वो मिनिमम वेवलेंथ आएगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो आप जब किसी बुक्स को रेफ़र करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है, जो आपकी बहुत कन्वेंशनल बुक्स हैं आप स्कूल के लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो उनके सॉल्यूशन इतने ज़रूरी नहीं है कि बहुत अप्रोप्रिएट हो, आप थोड़ा अपना ध्यान से सोच समझ के करो। इसीलिए यहाँ पे चैनल पे करा जा रहा है, आप इनको प्रॉपरली देखो, वेरीफाई करो, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि अगर मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या रखना है, मिनिमम, और अगर शॉर्ट वेवलेंथ निकालनी है तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या रखना है, मैक्सिमम रखना है। समझ आ गया ये। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया व्हाट इज़ द एनर्जी इन जूल्स, जूल्स में एनर्जी निकालनी है रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है -2.18 × 10⁻¹⁰ अर्ग दी हुई है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हो गया जिससे, तो उसमें N1 की वैल्यू 1 होगी, N की 1 अर्ग 10⁻¹⁷ जूल के बराबर होता है। तो ये अर्ग की जो एनर्जी है वो जूल्स में देखें तो -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में लेकर जाना है, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाना हो या फिफ्थ से फर्स्ट में ले जाना है, आपको हाई माइनस लोअर करना है, E5 - E1, बस आप ये कह देना कि डिफरेंस एनर्जी दिस मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन फर्स्ट से फिफ्थ में ले जा रहे हैं, तो अगर वो फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो दिस मच एनर्जी इज एमिटेड या रिलीज्ड हो रही है, ठीक है। तो हम एनर्जी अगर एक ऑर्बिट की देखें तो -2.18 × 10⁻¹⁸ जनरल फॉर्मूला देखें तो (z²/n²) होती है, और हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो गया, और n की वैल्यू हम इसे कैसे लिखेंगे, अगर E5 - E1 करते हैं मतलब 1/n²-1/n²² लिखा हमने, n1 की वैल्यू हमेशा छोटी रखनी है और n2 की वैल्यू बड़ी, तो फिफ्थ से फर्स्ट में आए या फर्स्ट से फिफ्थ में जाए आपको n1 रखना है, n2 5 रखना है, ठीक है। तो 1 - 1/25 हो गया, तो ये 24/25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये डिफरेंस इन एनर्जी हमारे पास क्या आ गया, जूल में इतनी एनर्जी चाहिए अगर एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ पे शिफ्ट करना है, फिफ्थ। और वैसे ही अगर आपको वैल्यू आती है E1 की वैल्यू अगर आपको याद है -13.6 eV होती है, और इसी तरह से फिफ्थ ऑर्बिट की आपको एनर्जी याद है तो आप डायरेक्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि दिस मच डिफरेंस इन एनर्जी इज चेंज इन टू दी फोटोन, एनर्जी जो हमारे पास है वो किसके बराबर होगी, दिस मच एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, एच न्यू के बराबर, और एच न्यू मतलब HC/λ, तो यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, एक ये तरीका है। और ये भी आपको बताया था अगर हम डिफरेंस एनर्जी डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आता है (ΔE = 12400/wavelength in angstrom), ये रिलेशन आता है। तो हमने जूल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 13.06 eV। कैसे कन्वर्ट करा, 1 eV 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स के बराबर होता है, तो 1 जूल किसके बराबर हुआ, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ eV, मतलब हमने इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दिया। अब ये वेवलेंथ आ गई, तो ये वेवलेंथ डेफिनेटली किस यूनिट में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी, दैट इज 12400/13.06 in eV, तो 949.46 angstrom, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज (En = −2.18 × 10⁻¹⁹ N²) जूल्स ये दी हुई है। कैलकुलेट करना है हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम (n = 2) ऑर्बिट। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है रिमूव करने के लिए सेकेंड ऑर्बिट से, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और सेकेंड ऑर्बिट से हमने रिमूव करके उसे किस में भेजना है, इनफाइनाइट में, तो हमें यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर, वेवलेंथ हमें सेंटीमीटर्स में इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। तो सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट से इनफाइनाइट, तो डायरेक्टली आप आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिख लोगे, पॉजिटिव हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में एनर्जी देखी जाए तो वो -2.18 × 10⁻¹⁸ N²·Z² होती है, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी देखे तो वो पॉजिटिव में होती है, तो 2.18 × 10⁻¹⁸ N² और सेकेंड ऑर्बिट से रिमूव करना है तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब 4 से डिवाइड हो गया, तो ये आंसर आ गया जूल्स में आ गया, ठीक है।
तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया. अब अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹ से इसे डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारे पास 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की वजह क्या है, मुझे वेवलेंथ के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर चाहिए तो व्हाट शुड बी द वेवलेंथ. तो फिर से आपको एक तरीका है आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू HC/लैम्डा, कि अगर हमें इतनी एनर्जी चाहिए तो इतनी एनर्जी का फोटोन किसके बराबर होगा, HC/लैम्डा के बराबर. या उसी HC को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं, पर इसका रूल ये होता है कि इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ जो आएगी वो ऑंगस्ट्रॉम में आएगी. और उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. 1 ऑंगस्ट्रॉम 10⁻¹⁰ के बराबर होता है, ठीक है. तो वो 3.647 × 10⁻¹⁷ मीटर आ जाएगा. मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो इतनी वेवलेंथ जो है हमें लाइट की चाहिए होगी टू कॉज दिस ट्रांजिशन. अब हमें फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.05 × 10⁻¹⁷ मीटर पर सेकेंड. हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की. अब अगर किसी पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, डी ब्रॉगली रिलेशन. तो डी ब्रॉगली रिलेशन ये कहता है लैम्डा इक्वल टू H/mv. अब अगर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो मास भी हमने इलेक्ट्रॉन का रखना है 9.1 × 10⁻³¹ kg. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हमें दी हुई है 2.05 × 10⁻¹⁷ और H प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो गई जूल सेकेंड में 6.626 × 10⁻³¹. इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 6.63 यूज़ कर भी कर सकते हो. तो सिंप्लीफाई करने पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो मीटर्स में आ जाएगी. अब हमें इस क्वेश्चन में देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इफ़ इट्स काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, कैलकुलेट करनी है हमें वेवलेंथ. तो फिर से वेवलेंथ हमें एक पार्टिकल की फाइंड आउट करनी है तो डी ब्रॉगली रिलेशन यूज़ करेंगे. तो लैम्डा इक्वल टू H/mv, इसी रिलेशन को हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 2m × काइनेटिक एनर्जी. ये कैसे आया हमारे पास, देखो वैसे तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है पर फिर भी आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m²v² ऐसे लिख सकते हैं. फिर इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिया. और अब हमने इसे अंडर रूट ऑफ 1/2 mv² ये अलग कर लिया इंटू 2m. अब ये 1/2 mv² हमारा किसके इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के. ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m × काइनेटिक एनर्जी. m जो है मास ऑफ पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी हमें जूल्स में दी हुई है. इस फॉर्मूले में सारे SI यूनिट्स ही हैं, काइनेटिक एनर्जी जूल्स में रखनी है, मास को किलोग्राम में रखना है. तो वेवलेंथ हमारी जो यूनिट आएगा वो मीटर है, उसको हमने ऑंगस्ट्रॉम की टर्म में लिख. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से वेबसाइट www.einsteinclasses.com पे आप जाइए, लॉग इन होइए, साइन अप करिए और आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए. थैंक यू एंड बाय.